Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you are watching VOK TV Washington Roundtable. I'm joined by a very special guest with us today. He's a senior journalist and activist, keeps a close eye what's going on inside Pakistan. He has just formed a new group, Non-Resident of Pakistan. और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में अनरेस्ट है, वैसे तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू वन ऑफ द टफेस्ट टाइम ऑफ इट्स लाइफ, और वो हर दौर में होता है. और उसके पीछे व्हाट आर द मेन काज एंड रीज़न, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रही, वजह क्या है. तो आज एनालाइज करेंगे और टॉपिक आज की डिस्कशन का ये होगा जो मैं अशाब करनी साहब से डिस्कस करना चाहूँगा, उनसे सीखूंगा बेसिकली कि पाकिस्तान में एक वी हैव अ वेरी स्ट्रांग डीप स्टेट जो फॉर यू नो फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज. सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि करनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, टेकिंग द टाइम आउट फॉर द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ऑडियंस. ये बताइए कि ये डीप स्टेट होती क्या चीज़ है जी, इस किस बला का नाम है. भाई साहब थैंक यू वेरी मच. थोड़ा सा मैं उस जगह ले चलूं जहां आप और आपके ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. 1919 में एक वाकया हुआ और एक मशहूर किरदार इस खित्ते में, उसका नाम है जनरल डायर होता था, और जड़ियांवाला और अमृतसर में यह वाकया हुआ जिसमें तकरीबन 347 लोगों को शूट करके और मार दिया गया था. और उसका कोट है बड़ा मशहूर जनरल डायर का कि अगर तुम लोगों ने मेरे डायरेक्ट, आई ओनली नो वन थिंग, कि तुमने मेरे डायरेक्टिव्स के ऊपर फॉलो करना है, चाहे वो फ्रांस हो या अमृतसर हो, आई डोंट केयर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग यू गाइस. अब जिस डीप स्टेट की आप बात कर रहे हैं, 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, ये जो, मैं रैंक एंड फाइल फौज की बात नहीं कर रहा, जो एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, राशन पानी के चक्कर में, इकोनॉमिक नीड्स की वजह से जमा हो जाते हैं, ये वही फौज है जो 200 साल 250 साल पहले ब्रिटिश गोरा राज, रेड कोट जिनको हम कहते थे, उनकी साइकी के साथ इम्प्लीमेंट की गई. और उन्होंने करोड़ों लोगों के ऊपर रूल किया, कुछ हजार लोगों ने जो यूनिफॉर्म पहनते थे और वो रैंक एंड फाइल नहीं थे बल्कि वो ऑफिसर्स थे, जो स्टार ऑफिसर्स कह लीजिए, ये आगे के जो आगे जाके जर्नैल भी थे, तो वेरी फ्यू ऑफ देम. ये 200 साल से ऊपर की जो साइकी है ये ट्रांसफर हुई आज से तकरीबन 75 साल पहले हमारे रैंक एंड फाइल के अंदर नहीं बल्कि उनके अंदर जो स्टार ऑफिसर्स हैं. तो एक जनरल डायर ने पिछले 74-75 साल में मुख्तलिफ नामों में, लेट्स नॉट गो, कौम जानती है, हम उन नामों पे ना जाएं, बड़े जनरल डायर हमने पैदा किए. कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि डीप स्टेट क्या होती है, अगर आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि ये जो हमारे एक खास खित्ते के पाकिस्तान में मखदूम ज़ादे, साहबजादे, कुरैशीज, सज्जादा नशीन, नवाब, ये क्रिएट हुए, वो एक खास खत्ते से, वो बंगाल से नहीं हुए थे, वो पंजाब से हुए थे, वो बलूचिस्तान में, तो खैर वो सरदारी निज़ाम था, वो सिंध से नहीं हुए थे. क्यों? कि इस खत्ते से लंबे, फिजिकली फिट नंबरी चाहिए होते थे, रैंक एंड फाइल फौजी चाहिए होते थे. तो ये दो क्लास, एक तो इससे फ्यूडल लॉर्ड्स पैदा हुए, और एक ये डीप स्टेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दोज फ्यूडल लॉर्ड्स एंड देन स्टार ऑफिसर्स फॉर लास्ट 74 प्लस इयर्स इन पाकिस्तान. और इनका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ. तो अगर आप आयशा सिद्दीका की किताब पढ़ लीजिए कि मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, तो ये जब कमर्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफॉर्म हो गए इन दो कैटेगरीज के साथ, और एग्रीकल्चर सेक्टर निकल के बड़े शहरों में फैल गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, वहाँ कमर्शलाइजेशन शुरू हुई, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन हमारी फौज हो गई. तो ये वो फौज लड़ने वाली नहीं है, ये कमर्शियल आर्मी है, और यही डीप स्टेट है, और ये वो फौज है जिसने 1971 में पाकिस्तान तोड़ दिया जिना साहब का. उसमें ना आपने एक बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है हमारी फौज के साथ. वो ज्यादती ये की है कि आप पाकिस्तान में जितने भी कब्रिस्तान देखें,
और उनमें कोई ना कोई शहीद होता है, और ये शहीद वो हैं जिन्होंने छोटे जूनियर लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया मुल्क के लिए, और फिर उन्होंने जाके हमें इतने खूबसूरत खूबसूरत DHAs दिए पाकिस्तान के अंदर, वाना को फतह किया, 1971 की जंग लड़ी, 99 की जंग लड़ी, 65 की जंग लड़ी, कश्मीर आज़ाद करवाया, बलूचिस्तान आज़ाद करवाया। तो ये इतने बड़े बड़े मार्के हैं जो हमारी फौज ने अंजाम दिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये डीप स्टेट है? नहीं, आप मिस कर रहे हैं मेरा पॉइंट काजी साहब। मैंने जनरल डायर को एक सिंबॉलिकल सेंस में वो कहता हूँ, जनरल डायर वाज नॉट रैंक एंड फाइल फौजी जिन लोगों ने शहादत दी। जो रैंक एंड फाइल फौजी होता है वो डायरेक्टिव्स को सैल्यूट करता और फॉलो करता है। अब आ जाइए फतुहात। तो जिन लोगों का, मेरे ख्याल में आप यू हैव बीन लिटिल काइंड कि जिन फतुहात का आप जिक्र कर रहे हैं, अव्वल तो वो फतुहात हुई नहीं, बांग्लादेश वॉज नॉट ए फतुहात। लेकिन मेरा काउंटर आर्गूमेंट और लॉजिक के साथ वो ये कि इन जंगों को ट्रिगर और इंस्टिगेट किसने किया था, क्या जरूरत थी? उससे 22 करोड़ प्लस अवाम जो आज है नंगी भूखी, और हम एक मकरूज मुल्क हैं कंपेयर विद बांग्लादेश, कंपैरिजन कर लीजिए पिछले 42 साल से ऊपर का, तो क्या हमारी वो पॉलिसी सही थी या गलत थी? फैसला आपका है। देखिए, आप दुनिया की सबसे अच्छी फौज है, 6 लाख की फौज है हमारे पास, दुनिया की बेहतरीन फौज है हमारे पास, एटॉमिक बम है, और फिर ये फौज जो है ना, ये रॉयल फौज है हमारी, ऐसी ऐसी फौज नहीं है जो जो आम लोगों की तरह, जो यहाँ पे US की तरह यू नो आफ्टर सर्विंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रिटायर हो जाते हैं, खुद जॉब ढूंढते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी फौज को तो हम लोगों ने जो जो हमारी पब्लिक है जो इतना एडमायर करती है, क्योंकि प्यार करती है ना बहुत ज्यादा, फिर जब आप हायर रैंक पे चले जाते हैं तो फिर आपको बड़े बड़े आइलैंड खरीद के देती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े एंटरप्राइज आपको खरीद के देती है। तो आप जो आवाम मोहब्बत करती है अपनी फौज के साथ, उसको किस तरह डिटैच कर सकते हैं? बस एक जुमले में करूंगा काजी साहब जी, कि फौज एक असासा होती है, एक एसेट होती है किसी भी मुल्क का, और हमारे लिए फख्र होना चाहिए, हमें फख्र होना चाहिए किसी भी मुल्क में। मैं अमेरिका में रहता हूँ, वी आर प्राउड ऑफ अमेरिकन आर्म फोर्सेस, ठीक है ना, वो हमारे डिफेंस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, कुर्बानियां देते हैं। एक जुमले में मैं आपको वजाहत कर दूं कि हर मुल्क की एक फौज होती है। बदनसीबी से पाकिस्तान एक वाहिद खित्ते में एक नमूना बन के उभरा है जिसकी फौज के पास एक मुल्क है, मुल्क के पास एक मुल्क है, और 22 करोड़ कीड़े मकोड़े भी हैं, फौज के पास एक मुल्क है खेलने के लिए। हाँ हाँ, और कुछ कीड़े मकोड़े भी हैं जिनको जब चाहे जिस तरफ चाहे इस्तेमाल कर लें। हाँ। आप कल का वाक्य देख लीजिए, कल का वाक्य देख लीजिए कि ये वो मीडिया था, वो जर्नलिस्ट थे कि जब 2018 में नवाज शरीफ रजीम के खिलाफ कैंपेन चलाएगी तो सबको बताया गया बुला के ये वो लोग हैं जो मुल्क के लिए एक दीमक की तरह काम कर रहे हैं, मुल्क को जाया कर रहे हैं। आज उन्हीं लोगों को जिनको कन्विंस किया गया, आज उनको कहा जा रहा है जी कि नहीं, यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, और वो चेंज नहीं हो रहे तो उनको उठा के बंद कर दिया गया है। आपने जब मुझसे राबता किया कल काजी साहब, तो आपने डीप स्टेट की बात की थी, और आपने कहा था बुट्टोज एंड शरीफ एंड द डीप स्टेट, किसने डैमेज किया पाकिस्तान को ज्यादा, यही था ना हमारा एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन। और उसमें आप देखिए जो चार बंदे जिनको मैं चार फैक्टर्स जिनको मैं आइडेंटिफाई किया, जनरल्स हैं, भुट्टोज हैं, शरीफ्स हैं, या फिर ये छोटे मोटे जो जिसको हम आवाम कहते हैं वो लोग हैं, कौन है ये लोग जो? तो अब आपकी बात का जवाब मैं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद भुट्टो साहब जी। तो जुल्फिकार अली भुट्टो, अयूब खान जो फील्ड मार्शल थे उनको बिग डैडी कहते थे, नंबर वन। कन्वेंशन मुस्लिम लीग जो अयूब खान ने बनाई, जो मादरे मिल्लत के अगेंस्ट उन्होंने सो कॉल्ड इलेक्शन लड़ा था यूनाइटेड पाकिस्तान में, और फातिमा जिना को डिफीट दी थी सो कॉल्ड, उसमें भुट्टो साहब ने जुल्फिकार अली भुट्टो मरूम, जो बाद में पीपल्स पार्टी उन्होंने फॉर्म करी और वो कायदे आवाम भी कहलाते हैं और जमहूरियत के चैंपियन भी हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेटर स्टेज में उन्होंने एक प्रपोजल दी थी फील्ड मार्शल अयूब खान यानी बिग डैडी को। भुट्टो साहब यूज टू बी जनरल सेक्रेटरी ऑफ कन्वेंशन मुस्लिम लीग, और उन्होंने ये कहा था कि हर जिले का डिप्टी कमिश्नर प्रेसिडेंट होना चाहिए कन्वेंशन मुस्लिम लीग का, और उसका जो SP है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वो जनरल सेक्रेटरी होना चाहिए। तो बिग डैडी की प्रोडक्ट थे जुल्फिकार अली भुट्टो।
बाद में जाहिर है कि वो फिर जमहूरियत का एक रोशनी और एक चिराग उनके दिल में भड़का, क्योंकि पावर चाहिए था, और वो वही भड़का जो मौजूदा आपके कायद इमरान खान के जहन में आया, हम उसको रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान एज ऑफ यस्टरडे भुट्टो साहब को बहुत अपना वो समझ रहे थे, आइकॉन और आइडल दोनों का पैरेलल वहां भी वही था जो आज है। अच्छा, अब आ जाइए नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब को क्रिएट करना था जनरल जियाउल हक ने डेंट डालने के लिए पीपुल्स पार्टी के पंजाब में वोट बैंक के ऊपर। तो जनरल जिलानी यूज्ड टू बी गवर्नर एट दैट टाइम। जनरल जिलानी के घर में शरीफ फैमिली का सरिया जाता था जो उनका घर बन रहा था, वहां से रिलेशनशिप बिल्ड हुई। तो नवाज शरीफ वॉज प्रोडक्ट ऑफ जियाउल हक एंड जनरल जिलानी। तो ये सब उन्हीं नर्सरियों की पैदावार है। फर्क सिर्फ काजी साहब ये है, जब हालात और वक्त की जरूरत होती है और सूट करता है, इन सिविलियन को बनाया जाता है नए किरदारों के तौर पे, और जब ये ऊंचा बोलने लगते हैं तो इनको गिरा दिया जाता है इमरान खान की शक्ल में। आई थिंक दैट इज व्हाट यू वांटेड टू हियर फ्रॉम मी। फेयर इनफ। अब ये बताइए कि हमारे हमने आपने काफी हद तक इसको एलेबोरेट कर दिया। थोड़ा सा फ्यूचर पर्सपेक्टिव की तरफ देखते हैं। अगर हम देखें तो हमने देखा था जी कि हमारा एक मिसाइल बनना जिसका नाम बाबर रखा, फिर उसका नाम होरी रखा, ये दोनों इंडिया के खिलाफ यूज होने थे, लेकिन मैंने देखा कि कल कराची से बाबर गोरी को लॉन्च कर दिया गया दोबारा। इसके पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं? इसके पीछे मुरक्कात काजी साहब ये है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए कुछ सालों में, 8-10 साल में, कराची का जो वोटर है वो नहीं निकल रहा। अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ है टोटली टर्नआउट जो था वो 8% था, तो लोग अब नहीं निकल रहे। तो डिसफ्रेंचाइज हो गया, रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गई, नंबर वन। दूसरा फैक्टर है कि पीपुल्स पार्टी इज ओवरकमिंग एंड ओवरवेलमिंग द काउंटर फोर्सेस जो आज से 32-33 साल पहले लॉन्च किया गया था एमकेएम की शक्ल में उनको काउंटर करने के लिए। तो वही है कि सारे मॉडल, सारे तजर्बे, सारे टेस्ट ट्यूब बेबीज एक एक करके जब फेल हुए वापस रीएनेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन भी वापस आ जाएंगे कुछ दिनों में? अल्ताफ हुसैन जिस्मानी तौर पे तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल में अकल और शऊर के उस लेवल पे, इस एज में, कि ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे। वो वहीं बैठ के वो करेंगे जो नवाज शरीफ कर रहे हैं। अच्छा, तो क्योंकि हो तो सकता है, क्योंकि उनको लाया इसलिए जा सकता है कि क्योंकि सारे अब हज करके उमरा करके सारे पाक साफ हो चुके होंगे इस वक्त तक। जो उनके पीछे 4-5 साल पहले जो कहा गया था वो तो नहीं रहा, क्योंकि ड्राई क्लीनर जो है ना, उन्होंने उसको क्लीन अप कर दिया है। लाया तो जा सकता है, अगर बाबर गौरी वापस आ सकता है तो वो भी आ सकते हैं। नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है। भुट्टो साहब मरहूम को मरे हुए तो बड़ा अरसा हो गया फांसी लगे हुए, आज भी भुट्टो जिस्मानी तौर पे तो नहीं, हर तरह से फिलोसफिकली जिंदा है, और उसके नाम के ऊपर जो है लोग प्ले भी कर रहे हैं, लेवरेज भी ले रहे हैं, चाहे वो दामाद हैं, नवासे हैं, जो भी। जो भी है। तो आप क्लोजिंग रिमार्क्स में ये बताइए कि हम जा किस डायरेक्शन में जाएं, किधर जा रहे हैं हम लोग? बहुत अच्छा सवाल है। आजकल के हालात के मुताबिक देखिए जी, फौज, मुल्क, न्यूक्लियर, 190 जर्नैल, ये सब जब अच्छे लगते हैं जब घर में दाने होते हैं खाने के लिए। अगर इकोनॉमिक्स आपकी बैठ गई और जियो इकोनॉमिक्स, नॉट जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स में आप एक डिजास्टर बनने जा रहे हैं श्रीलंका की तरह, तो ना न्यूक्लियर का कोई फायदा, किसके ऊपर जाके पोड़ेंगे, ना 7 लाख फौजियों को तनख्वाह देने के पैसे होंगे, ना 190 के करीब एक्टिव और सैकड़ों और हजारों की तादाद में रिटायर्ड जनरलों के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होंगे, 70% बजट जो है हमारा डिफेंस के लिए, जब पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा। तो अब जरूरत है इस सच की, ट्रुथ, हकायक, जैसे आप जैसे लोगों ने उठाना शुरू किया और बोल रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रुथ, रिकनसाइल, क्योंकि फौजी भी हमारे हैं, जर्नल भी हमारे हैं, हमारी तीसरी चौथी जनरेशन जो है वो चल रही है, कोई फेडरल सेक्रेटरी है, कोई जर्नल है, कोई पॉलिटिक्स में आया हुआ है। अगर हम लोग इकोनॉमिकली सर्वाइव कर पाएंगे तो मुल्क आगे चलेगा, वरना फिर हम या तो फलस्तीन बन जाएंगे या फिर सोमालिया बन जाएंगे। बहुत अच्छा आपने एनालिसिस किया। तकलीफ के साथ आपकी बात के साथ 100% एग्री होना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक हमारे पास खाने पीने के लिए दाने नहीं होंगे, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे, हमारी कंट्री चलेगी नहीं। अभी देखें 15-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, इकनॉमिकली हम डाउन है, श्रीलंका वाली अल्लाह ना करे कि सिचुएशन पैदा हो। लेकिन ये सारे
जो लोग इस वक्त अपने उन लोगों को जो रैंक एंड फाइल्स के लोग हैं जिनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, अपने आप को ठीक कर लीजिए, उसकी वजह पीछे ये है कि हम उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जिस तरह आपने अभी अपने रिमार्क्स में कहा जी कि हमारी फौज है, हम उन हमारा एक रोमांस है उनके साथ और वी लुक्ड अप टू देम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली असल अपनी कोर जॉब को छोड़ के वो दूसरे कामों पे लगे, जिसकी वजह से हम लोग इस वक्त इस डिलेमा का शिकार हैं। फाइनल रिमार्क्स आपके, फिर इंशाल्लाह क्लोज करते हैं क्योंकि टाइम हो गया हमारा। नहीं भाई साहब, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह देयर इज ऑलवेज अ होप, और मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस वक्त हम हर लिहाज से अखलाकी तौर पे, माशी तौर के ऊपर, सियासी तौर पे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हवाले से गिर चुके हैं बिल्कुल बॉटम के ऊपर। बॉटम के बाद बॉटम तो नहीं आता काजी साहब, ऊपर ही जाता है। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इंशाल्लाह आने वाले जो साल होंगे वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम के लिए एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल लगते हैं, क्योंकि हम सब ने एक सबक सीखा है एंड दिस इज द टाइम टू करेक्ट अवर सेल्फ एंड फाइंड अ वे फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह खैर। दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम आवर स्टूडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।